ये असाइनमेंट है, इसके अंदर मैं तुम्हें हिंट कर देता हूँ, ये सारे जेई मेंस के पीवाईक्यूज़ हैं। मैं सारे डायोड वाले क्वेश्चन तुम्हारे सामने निकाल के आ गया, ठीक है? तो डायोड वाले जो क्वेश्चन है तुम्हारे सामने अभी डिस्कस करूंगा। स्टार्टिंग में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सारे 2023 के, स्टार्टिंग में जेई मेंस के 2023 के पीवाईक्यूज़ हैं। जब वो कंप्लीट हो जाते हैं बाद में फिर एंड माने चालू हो जाते हैं बाकी पुराने सालों। स्टार्टिंग वाले लाइन से 2023 के रीसेंट पैटर्न तुम्हारे को पहले बता रहा हूँ, फिर पास्ट में क्वेश्चन कैसे आते रहे उनके ऊपर दिमाग लगा लेंगे। चलो अभी तुम्हारे सामने मैं ये पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, तुम देख रहे हो इस सर्किट के अंदर एक बैटरी लगा रखी है, एक दो तीन चार रेजिस्टेंस लगा रखे हैं और तीन डायोड लगा रखे हैं। तो अब पूछ रहे हैं बैटरी के थ्रू कितना करंट जा रहा होगा, इस सर्किट में बैटरी के थ्रू कितना करंट जा रहा होगा। चलो ध्यान दो, सर्किट में डायोड लगा रखी है, डायोड्स के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो इनको मानते हैं आइडियल डायोड। क्या मानते हैं? आइडियल डायोड। आइडियल डायोड क्या होती हैं? जिनको हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं, और जब रिवर्स बायस होती हैं तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड बायस होगा अपने थ्रू करंट को जाने देगी, रेजिस्टेंस कैसे हो जाएगा उसका? नेग्लिजिबल, क्या बोल देते हैं हम? जीरो। और यहीं पे डायोड रिवर्स बायस हो जाएगी तो अपने थ्रू करंट को नहीं जाने देगी, करंट का रास्ता ब्लॉक कर देगी, और रास्ता ब्लॉक कर देगी तो कैसे बिहेव करेगी? एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। कैसे बिहेव करेगी? एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो डायोड के ऊपर हम लोग रेक्टिफायर सर्किट में भी देखते थे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। डायोड के डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो अलाउ कर रही है, उसके ऑपोजिट जा रहा है तो ब्लॉक। डायोड को एक एरो की तरह देखना आता है ना हम सबको। चलो एरोस की तरह देखते हैं और दिमाग लगाते हैं। तुम्हारे सामने मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, ध्यान देखो ये करंट कैसे भेजना चाहती है। इस तरफ आई करंट जा रहा है, इस जंक्शन पे पहुंचा, कितने रास्ते मिले? दो। चलो इसमें चला गया I1, इसमें चला गया I2। अभी वैसे भेज रहा हूँ, डायोड्स पे ध्यान नहीं दे रहा। जनरली सर्किट में क्या होता था, इलेक्ट्रिक करंट में जैसे करते थे बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ। I2 करंट आगे पहुंचा, कितने रास्ते मिले? दो। एक में I3, एक में I4। चलो डायोड्स अगर नहीं होती करंट इस तरह से फ्लो होता, और अभी डायोड्स लगी हुई हैं। ध्यान से देखो, डायोड D3 को एरो की तरह देख पा रहे हो? डायोड D3 को अगर तुम एरो की तरह देख रहे हो, I1 करंट उस एरो से मैच हो रहा है, D1 कैसे है? फॉरवर्ड बायस। I1 करंट को अलाउ करेगी। चलो आ जाओ I3 पे, I3 का डायरेक्शन देखो D1 के डायरेक्शन से मैच कर रहा है, D1 इसको अलाउ करेगी, D1 भी कंडक्ट कर जाएगी। I4 का डायरेक्शन देखो D2 के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, D2 क्या हो गई हमारी? रिवर्स बायस, ये अपने थ्रू करंट को फ्लो नहीं होने देगी। I4 क्या हो जाएगा? I4 क्या हो जाएगा? जीरो। तो चलो देखो डायग्राम क्या बनने वाला है। तो तुम्हारे यहाँ पे सर्किट में जिन जिन ब्रांच में करंट फ्लो होने वाला है, एक तुम्हारा ये ऊपर वाली ब्रांच 10 ओम की, जिसके साथ कौन अटैच था? D1। D1 कंडक्ट करेगी। दूसरी ब्रांच तुम्हारी फिर से 10 ओम वाली, जिसमें कौन कनेक्टेड था? D2। और D2 कैसे हो गई है? रिवर्स बायस, ये कंडक्ट नहीं करेगी, ये कैसे बिहेव करेगी? एज ओपन सर। फिर कौन सी ब्रांच आ जा रही है हमारी? D3 वाली। D3 कैसा है हमारा? फॉरवर्ड बायस, ये करंट फ्लो कंडक्ट करने देगा। और यहाँ पे एक बीच में और 10 ओम लगा हुआ था, और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है मेरे साथ यहाँ तक। चलो तो अब यहाँ पे देखो, तुम्हारे सामने मैं वोल्टेजेस मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज 0 मान लू, यहाँ पे क्या हो जाएगी? 10। यहाँ भी 10, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे भी 0। दिमाग लगाओ, इस ब्रांच पे, इस ब्रांच के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है? 10। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10। करंट कितना चला जाएगा? 1। दिमाग लगाओ, इस वाली ब्रांच में तो करंट जाएगा नहीं, डायोड रिवर्स बायस थी। दिमाग लगाओ इस वाली ब्रांच पे कितनी वोल्टेज है? 10 माइनस 0, 10। रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है? 10 प्लस 10, 20। कितना करंट जाएगा? 0.5। तो इस ब्रांच से
वन एम्पियर, इस ब्रांच में 0.5 एम्पियर, तो बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रही है? 1.5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? समझ में आ गया, करंट जैसे फ्लो होना चाहिए था मार्क कर दिए। जिस डायोड के एरो से करंट का डायरेक्शन मैच कर रहा है वो फॉरवर्ड बायस है, करंट को अलाउ कर देगी, और जिस डायोड का एरो के एरो से करंट का डायरेक्शन उल्टा है वो रिवर्स बायस है, वो अपने थ्रू करंट को नहीं जाने देगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? जीना डायोड। और जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेट करने का काम आती है, वही जीना डायोड तो मैं दे रखी है। जीना डायोड ऑफ पावर रेटिंग 1.6 वॉट। पावर रेटिंग से क्या मतलब है? ऑब्वियसली जीना डायोड के थ्रू जब करंट फ्लो हो रहा होता है उसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज होती है, उसके थ्रू करंट होता है, वोल्टेज इंटू करंट। पावर रेटेड पावर 1.6 वॉट है, मतलब 1.6 वॉट से ज्यादा पावर आएगी तो हमारी डायोड फूक जाएगी, इतनी हीटअप हो जाएगी कि वो खराब हो जाएगी। भाई कम पावर पे काम करेगी, कम हीट डेवलप होगी, काम कर लेगी, पर कभी तुमने उसके थ्रू ज्यादा पावर जनरेट कराने की कोशिश करी, उसके अक्रॉस ज्यादा पावर लाने की कोशिश करी, वीआई की वैल्यू ज्यादा कराने की कोशिश करी, उसमें हीट ज्यादा डेवलप हो जाएगी, और ज्यादा हीट डेवलप होने पे डायोड खराब हो जाती है। बताया था तुम्हें, नॉर्मल डायोड तो ब्रेकडाउन रीजन में हम यूज कर ही नहीं पाते, ब्रेकडाउन रीजन पे जाते ही वो इतनी उनमें करंट वोल्टेज आ जाता है कि उनके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो इतना हीट अप हो जाती है कि खराबी हो जाती है। जीना डायोड में तो हमने ज्यादा डोपिंग करके उनको कम ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ले आए थे। कम ब्रेकडाउन वोल्टेज पे लाने से क्या फायदा है? कि जब जीना डायोड कंडक्ट करेंगी रिवर्स बायस में, उनके अक्रॉस पावर कम जनरेट होगी, और जब पावर कम जनरेट, हीट कम जनरेट, काम कर पाएंगे ना। अभी तुम्हारे सामने जीना डायोड दे रखी है जिसकी पावर रेटिंग कितनी है? 1.6 वॉट। तो 1.6 वॉट पावर का फॉर्मूला, वन पावर की वैल्यू, सॉरी 1.6 वॉट, और तुम्हें जीना डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी बता रखी है? 8। मतलब जब तुम जीना डायोड को ब्रेकडाउन रीजन में यूज करोगे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पीआई, वोल्टेज उसके अक्रॉस जब भी ब्रेकडाउन हो जाएगा वोल्टेज उसके अक्रॉस कांस्टेंट हो जाएगी। जीना डायोड की कहानी याद है, एक बार ब्रेकडाउन हो गया क्या बोलती है? मेरे थ्रू कितना भी करंट फ्लो करा लो, मैं अपने अक्रॉस वोल्टेज बढ़ने नहीं दूंगी। याद है ना जीना डायोड की कहानी? तो वोल्टेज तो अपने अक्रॉस क्या मेंटेन करवा लेगी? 8। अब करंट तुम बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते बढ़ाते जब करंट तुम कर दोगे 1.6/8, दैट इज 0.2 एम्पियर, पावर कितनी आ जाएगी? 1.6 वॉट। और इसके बाद तुमने करंट और बढ़ाया तो पावर 1.6 वॉट से ज्यादा जाएगी, तुम्हारी डायोड हीट अप होके खराब हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलो अब तुमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुमने इसको डायोड को यूज करना है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, जिसमें वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है 3 वोल्ट से 10 वोल्ट। तुमसे बोलते हैं बताओ, जो तुमने यहाँ पे रेजिस्टेंस आरएस लगा रखा है सीरीज में डायोड के साथ, इसकी क्या वैल्यू रखनी चाहिए? चलो जैसे डायग्राम मैं क्लास में बनाता था तुम्हारे सामने, वैसे डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारी इनपुट वोल्टेज सप्लाई सीनियर डायोड के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते थे, और जब भी कोई ऐसा डिवाइस होता था जिसको रेगुलेटेड वोल्टेज चाहिए होती थी तो उस डिवाइस को हम जीना डायोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते थे। आ रहा है डायग्राम याद? चलो अब ये जो हमारी इनपुट वोल्टेज है ये 3 वोल्ट से 10 वोल्ट काम की बात मैक्सिमम कहां तक ले जाने वाले? 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट पे माथा मार लेते हैं, अगर 10 वोल्ट पे सब कुछ सही चला तो 3 वोल्ट पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 3 to 10 में कहां दिमाग लगा रहे हैं? 10 वोल्ट। चलो जब 10 वोल्ट वोल्टेज आ जाएगी, जीना डायोड हमारे ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रही है, उसके क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? 8। तो तुमने जो आरएस लगा रखा है उसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आने वाली है? 2। जीना डायोड की वोल्टेज 8, उसके थ्रू करंट कितना फ्लो करा सकते हो मैक्सिमम? 0.2 एम्पीयर। चलो कुछ करंट तुम्हारा जीना डायोड में जा रहा होगा और कुछ करंट तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस में जा रहा होगा। तुम्हारे आरएस से करंट कितना आ रहा होगा? तुम्हारे आरएस के थ्रू जो करंट आ रहा होगा ऑब्वियसली वो 0.2 से तो ज्यादा ही आ रहा होगा। मान लो आरएल में करंट नेग्लिजिबल जा रहा है तो भी तुम्हारे आरएस में करंट 0.2 तो से थोड़ा फालतू तो होगा ही। 0.2 ले लूं तो देखो आरएस के क्रॉस वोल्टेज कितनी है?
वी इज इक्वल टू आई आर, आर एस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ रही है समय, टू, करंट 0.2 से थोड़ा सा ज्यादा आर एस हमें निकालना है, तो आर एस की वैल्यू 2/0.2 कितनी आ रही है, एक्चुअल में करंट 0.2 से थोड़ा सा ज्यादा, तो तुम रेजिस्टेंस 10 से थोड़ी सी कम भी रख सकते हो, बट ठीक है हम 10 ले रहे हैं टू बी ऑन द सेफर साइड, क्या आंसर हो जाएगा। सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं हम जीना डायोड के आर एस, उसकी वैल्यू कितनी रखनी चाहिए कि हम 3 to 10 वोल्ट के बीच में जीना डायोड को यूज कर पाए, तो क्या हो जाएगा आंसर अपना 10। फॉलो करी कैलकुलेशन, बढ़ जाओ आगे, तो आगे तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बस पढ़ के आंसर देने हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीना डायोड, पढ़ो चारों स्टेटमेंट। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करती है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में यूज करते हैं, और अगर फॉरवर्ड बायस कर दे तो सिंपल पीएन जंक्शन डायोड, तो रिवर्स बायस में वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगी, और फॉरवर्ड बायस कर दोगे तो एक सिंपल डायोड की तरह काम करेगी, कौन सा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर। पहले रेजिस्टेंस पे कमेंट करो, कभी भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, और रेजिस्टिविटी कम हो जाती है मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, तभी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस क्या हो जाने वाली है, डिक्रीज। कौन सा ऑप्शन आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड, चार पॉइंट बता दिए हैं तुम्हें बताने, इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है, इट इज हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन, सही बात है, इट एमिट्स लाइट ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड, एलईडी कैसे यूज करते थे, बायसिंग याद करवाई थी मैंने, फॉरवर्ड बायस्ड सही बात है, इट इज रिवर्स बायस्ड गलत बात है, एनर्जी ऑफ लाइट एमिटेड इज इक्वल टू और स्लाइटली लेस देन एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर यूज्ड, याद है एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी का तुम्हारा फोटोन एमिट होता था, तभी तो उस एनर्जी गैप को हम 1.7 से 3.1 के बीच में रखते थे ताकि जो रेडिएशन एमिट हो रहे हैं वो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई कर जाए, तो कौन सा गलत स्टेटमेंट है, सी, तो आंसर क्या हो जाए। क्वेश्चन या तो ईजी के बराबर एनर्जी होगी या उससे कम, फालतू कहां से आते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेट हो रहा है, कंबाइन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी रिलीज एनर्जी गैप के बराबर हो गई, एनर्जी गैप के बराबर जो एनर्जी रिलीज कुछ हुई, कुछ वेस्ट हो गई होगी, तो फोटोन को एनर्जी थोड़ी सी उससे कम मिली होगी, ज्यादा कैसे मिल जाएगी, इक्वल होगी या फिर उससे थोड़ी सी लेस होगी, रेडिएशन ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक होते हैं, याद आ रहा है। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ सिलिकॉन सैंपल इज डोप्ड विद बोरॉन इट बिकम्स पी टाइप, बोरॉन कैसा होता है, बोरॉन होता है अपना ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट होता है, ट्राइवेलेंट होता है तो कैसा बनाएगा, पी टाइप बोल देगा ना, व्हेन डोप्ड विद आर्सेनिक इट बिकम्स एन टाइप, आर्सेनिक क्या होता था अपना पेंटावेलेंट, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या बना देगा, एन टाइप, सही बोल रहा है, such that p type n type conductor has more electrons, p type has more holes, सही है ना, statement one तो सही हो गई, statement two क्या कह रहा है, when such p and n type semiconductor are fused to make a junction, a current will automatically flow which can be detected with an external connected emitter, जैसे p और n को combine करोगे pn junction पे automatically current flow होता है, कौन सा current, डिफ्यूजन करंट, और वो डिफ्यूजन करंट की वजह से डिप्लीशन लेयर, उसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट, नेट करंट जीरो, अगर बाहर से मैं कोई एक्सटर्नल एमिटर लगा दूंगा तो उसकी रीडिंग जीरो या नॉन जीरो, जीरो, अरे ग्राफ कैसे बनाते थे याद है,
ग्राफ कैसे बनाते थे हम? फॉरवर्ड बायस में ऐसे ग्राफ बनाते थे, रिवर्स बायस में ऐसे बनाते थे। तो जब तुम्हारी बायसिंग वोल्टेज जीरो है, जब तुमने कोई बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाई, तो करंट क्या मिलता था एमीटर के अंदर? जीरो। ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो एमीटर है वो नॉन जीरो रीडिंग देगा? गलत बात बोल रहा है। जो डिफ्यूजन करंट है वो तो सिर्फ जंक्शन के आसपास है ना। अगर पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस में बिना कोई बायसिंग के एक्सटर्नल एमीटर कनेक्ट कर दूं, कनेक्शंस कर दूं, तो एमीटर रीडिंग क्या होने वाली है? जीरो। जो डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रहा है वो तो सिर्फ जंक्शन के आसपास फ्लो हो रहा है ना, एमीटर में थोड़ी चले जाने वाला है वो। क्या बना? स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन? वन इज करेक्ट एंड टू इज इनकरेक् ट। डी बन गया। चलो, इसके बाद तुम्हें ये दे रखा है, आइडेंटिफाई द सोलर सेल। सोलर सेल का आईवी ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनाया था हमने? फोर्थ क्वाड्रेंट। याद है सबको? चलो, क्वेश्चन नंबर 8। आईवी ग्राफ तुम्हारे सामने एक पीएन जंक्शन डायोड का बना के दिखा रखा है। तुमसे कह रहे हैं रेशियो ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस बता दो कॉरेस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। चलो, डायनामिक रेजिस्टेंस याद है, वीआई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देता है, आईवी ग्राफ का स्लोप 1 बाय रेजिस्टेंस देगा। पर तुम देखते हो स्लोप हर पॉइंट पे डायोड के लिए वेरी कर रहा होता है। जब स्लोप वेरी कर रहा है तो हर पॉइंट पे रेजिस्टेंस भी वेरी कर रही है, तो रेजिस्टेंस हर पॉइंट पे अलग अलग मिलने वाली है। तो मैं तुम्हें हिंट कर रहा था, डायोड के कभी भी रेजिस्टेंस पता नहीं हो। तो जिस जोन में तुम्हारा डायोड काम कर रहा है, उस जोन में जाके वोल्टेज के स्मॉल वेरिएशन पे करंट का स्मॉल वेरिएशन चेक करते हैं, और रेजिस्टेंस की वैल्यू डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। क्या बोलते हैं इसको हम? डायनामिक रेजिस्टेंस या फिर एसी रेजिस्टेंस? डायोड की डायनामिक रेजिस्टेंस या डायोड की एसी रेजिस्टेंस? चलो, अब यही रेजिस्टेंस हमें बतानी है, एक बार तो 2 वोल्ट पे और एक बार 4 वोल्ट। चलो, 2 वोल्ट पे ग्राफ देखो कैसे दे रखा है इन्होंने। 2 वोल्ट के आसपास वोल्टेज को वेरी करा रहे हैं, 2 से 2.1। कितना वेरी करा रहे हैं? 0.1। और करंट वेरी कर जा रहा है 5 to 10। कितना वेरिएशन है? 5। ठीक है ना, वैसे करंट हमारा मिली एम्पियर्स में है, तो 5 into 10 की पावर माइनस। ऐसे ही 4 वोल्ट पे, चलो 4 वोल्ट पे कितना वेरिएशन करा के दिखा रखा है इन्होंने? 0.2। और करंट में वेरिएशन 250, 200 से 250, 50 मिली। और अब हमसे इन दोनों का रेशियो पूछ रहे हैं, रेशियो निकालो। 0.1 बाय 0.2, 1 बाय 2, 50 बाय 5, 10। क्या रेशियो आ गया? 5:1। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कॉन्सेप्चुअल है। द फोटो डायोड इज यूज टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल्स। क्या बात चल रही है? फोटो डायोड के लिए क्या पूछ रहे हैं? फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शनल चेंज सॉरी, इन मेजोरिटी कैरियर प्रोड्यूस हायर फॉरवर्ड बायस करंट। पहले तो यहाँ पे बायसिंग कैसी होती है? रिवर्स। और रिवर्स बायसिंग के समय ऑब्वियसली जो तुम्हारा करंट होगा वो N2P, किसके वजह से? माइनॉरिटी कैरियर। तो फ्रैक्शनल चेंज आने वाला है ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स इन रिवर्स बायस कंडीशन। रिवर्स बायस कंडीशन होती है, माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो हो रहे होते हैं, और जब हम रेडिएशन भेजते हैं तो रेडिएशन भेजने पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होके उस माइनॉरिटी कैरियर वाले करंट फ्लो को इंक्रीज कराते हैं, और जो फ्रैक्शनल इंक्रीज आता है उसी से हमारा माइक्रोएमिटर सिग्निफिकेंट डिफ्लेक्शन दिखाता था। याद आ रहा है? तो चलो, क्या आंसर दोगे? फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। ए और बी तो गलत हो गए, और कैसी कंडीशन में यूज कर रहे हैं हम? रिवर्स बायस में। डी आंसर। चलो, फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया तुम्हारा, ये जीना डायोड के बेस ऊपर बेस्ड है। जीना डायोड दे रखी है, इसकी रिवर्स में ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी बता रखी है? 6 वोल्ट। साथ में रेजिस्टेंस लगा रखा है, लोड रेजिस्टेंस कितना? 4000 ओम। सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा रखा है वो हमारा 1K, मतलब 1000। बैटरी के वोल्टेज वेरी करा रहे हैं हम 8 to 16। व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट?
और तुम देख रहे हो मिनिमम और मैक्सिमम करंट जो ऑप्शन से बता रखे हैं, इनमें से कोई भी जीरो नहीं है, मतलब जीना डायोड के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। और किस ऑर्डर का? मिली एम्पियर, मतलब उसका क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है 8 वोल्ट पे भी, और 8 वोल्ट पे हो चुका है तो ऑब्वियसली 16 वोल्ट की सप्लाई पे तो हुआ ही पड़ा होगा। चलो अभी करंट इसके थ्रू हमें बताना है, पहले मैं दिमाग लगाता हूँ तुम्हारे साथ 8 वोल्ट पे। तो इनपुट वोल्टेज कितनी लगा रखी है हमने? 8। साथ में रेजिस्टेंस, साथ में जीना डायोड, और जीनो डायोड के साथ में क्या लगा रखा है हमने? लोड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसका कितना है? 4000। सीरीज वाले का 1000, उल्टा तो नहीं लिखा ना मैंने। और जीना डायोड के अक्रॉस ब्रेक डाउन हो चुका है तो कितनी वोल्टेज आ चुकी होगी? 6। सीरीज में लगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस 2। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जीना डायोड की वोल्टेज के बराबर कितना? 6। अब करंट बताना है, चलो ध्यान से देखो, यहां से करंट आ रहा होगा। इस रजिस्टर के अक्रॉस 1000 ओम वाले रजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है? 2। रेजिस्टेंस इसका 1000, करंट इसमें जा रहा होगा 2/1000। चलो आगे तुम्हारे लोड में, लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? 6। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 4000। तो इसमें करंट कितना जा रहा होगा? 6/4000। I1 करंट आया लोड में, I2 चला गया, तो बाकी कहाँ गया? जीना डायोड में। जीना डायोड में कितना करंट जा रहा होगा? I1 - I2। 2/1000 को पढ़ लेता हूं मैं, 8/4000। 8/4000 - 6/4000, 2/4000। 2/4000, 2/4.5 mA। कौन कौन से ऑप्शन? ए और सी में से एक होगा, बी और डी प्रूव। और इसके बाद वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते हम कितने ले गए? 8 से 16। वर्बली कर दूं, कितनी कर दी यहाँ पे वोल्टेज? अब 8 की जगह 16, 2 की जगह डायोड के अक्रॉस तो 6 की 6 ही रहेगी, RS के अक्रॉस कितनी आ जाएगी? 10। यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा? 10/1000। तुम्हारे डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 6, तो उसके साथ पैरेलल लगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 6, और उसका रेजिस्टेंस कितना है? 4000। इसमें करंट 6/4000, तो अपने करंट की रीडिंग 10/1000 - 6/4000। 10/1000 को 40/4000 पढ़ लूं, 40 - 6, 40 - 6 तुम्हारा कितना हो गया? 34/4000। देखो कितना बन रहा है, 34/4, 10 से थोड़ा कम आएगा, 8.5 mA। कौन सा ऑप्शन बैठ गया? सी। ठीक है, जो भी हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाते हैं, जीनर डायोड अपने क्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट मेंटेन रखाएगी, जो भी वोल्टेज में इंक्रीमेंट आ रहा है वो सारा का सारा RS, RS के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ गई, RS में से करंट बढ़ गया, करंट में जो इंक्रीमेंट आया है वो इंक्रीमेंट वाला सारा का सारा करंट जीना डायोड में। ठीक है, जीना डायोड अपने थ्रू करंट कितना भी बढ़वा लेगी, पर वोल्टेज अपने अक्रॉस बढ़ने नहीं देगी, वही पुरानी कहानी। अगला भी कुछ ऐसा ही होगा, नहीं, मिलियन पे वो तो ठीक है, वो तो डोपिंग के ऊपर है, कितना डोपिंग कर रखी है उस हिसाब से वो काम करेगी, वो तो एक्सटेंट ऑफ डोपिंग पे डिपेंड करेगा। माइक्रो एम्पियर में तो करंट हमारा नॉर्मल होता था, जो तुम रिवर्स बायस करते थे नॉर्मल डायोड्स को, तो उसका जो सैचुरेशन करंट होता था वो माइक्रो एम्पियर पे होता था, और ब्रेक डाउन होने पे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता था। जीनर डायोड की तो हमने अच्छी खासी डोपिंग कर रखी है, और अच्छा खासा करंट सपोर्ट कर पाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या आ रहा है, फिर से जीनर डायोड है, ब्रेक डाउन वोल्टेज कितनी बता रखी है? 5.6। और फिर से क्या पूछ रखा है? IZ, सिमिलर ही हो गया। तो बैटरी कितने वोल्ट की है? 9। जीना डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी बता रखी है उन्होंने ब्रेक डाउन पे? 5.6। तो 9 - 5.6 करो, 3.4।
तुम्हारे आरएस के क्रॉस आ चुकी होगी, लोड रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा रखा है आरएल। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बता रखी है उन्होंने, 800। आरएस की वैल्यू 200। लोड रेजिस्टेंस में से, सॉरी, आरएस में से कितना करंट आ रहा होगा, 3.4/200। उसमें से लोड रेजिस्टेंस में कितना चला गया होगा, 5.6/800। और दोनों का डिफरेंस कहाँ जा रहा होगा, जेनर डायोड। कर लोगे 200 को 800 बनाने के लिए, 4 से मल्टीप्लाई, 3.4 × 4, 13.6 − 5.6/800। ठीक है ना, इसमें शायद प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ है। आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10 मिलियन। ये आंसर कर लो, एक जीरो उड़ा दो। वोल्टेजेस मार्क कर ले रहे हैं, आरएस में से करंट निकाल ले रहे हैं, आरएल में से करंट निकाल ले रहे हैं, और दोनों का डिफरेंस जो है वो जीरो टाइम। ठीक है, दो दो कर लिए एक जैसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं क्वेश्चन सीधा डायग्राम में समझाता हूँ। देखो बोर्ड पे तुम्हें ये सर्किट दे रखा है, इसमें एक नहीं दो दो डायोड लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं, दो दो डायोड लगा दिए हैं। कैसे हैं आपस में, पैरेलल में, एक जर्मेनियम की है और एक सिलिकन की है। और तुम्हें क्वेश्चन में बता रखा है सिलिकन वाली डायोड और जर्मेनियम वाली डायोड के अक्रॉस कंडक्ट करने के लिए वोल्टेज होनी चाहिए हमारी 0.3 और 0.7 बैरियर पोटेंशियल। याद है, जो ओवरकम करना पड़ेगा जर्मेनियम में 0.3 और सिलिकन में 0.7। वैसे हमने जो पढ़ा था 0.2 और 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.2 और सिलिकन के लिए 0.7। पर चलो, क्वेश्चन में एग्जामिनर बोल रहा है 0.3 0.7, लड़ाई थोड़ी करेंगे, 0.3 और 0.7। चलो, अभी दोनों डायोड तुम्हारी पैलम लगा रखी है, आउटपुट पे हमें कुछ वोल्टेज मिल रही है वी आउटपुट। फिर क्वेश्चन में कहते हैं जर्मेनियम को हमने निकाला और पलट के लगा दी, जर्मेनियम वाली डायोड को निकाला और पलट के लगा दिया, फिर हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रही है कुछ और मिल रही है। आउटपुट वोल्टेज में कितना चेंज आएगा जब जर्मेनियम वाली डायोड को हम पलट देंगे, वो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज क्वेश्चन में बताना था। चलो हो जाए, चलो अभी ध्यान दो। तुम्हारे सामने जो डायोड्स हैं, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, बैटरी करंट कैसे भेजना चाहती है, क्लॉकवाइज, जर्मेनियम सिलिकन दोनों में करंट कैसे जाना चाहता है, डायोड के एरो के डायरेक्शन में कैसी है दोनों, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में जर्मेनियम के अक्रॉस फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ाओगे तो जर्मेनियम के अक्रॉस वोल्टेज 0 से बढ़ते बढ़ते 0.3, और एक बार वोल्टेज 0.3 हो जाएगी ये कंडक्ट करना चालू कर देगी और अपने थ्रू कितना भी करंट फ्लो करवा देगी, वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या मेंटेन रहने वाली है, 0.3। ऐसे सिलिकन में जैसे जैसे तुम बायसिंग वोल्टेज बढ़ाओगे, वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते 0.7 तक तो करंट नेग्लिजिबल रहेगा, और 0.7 को ओवरकम करते ही डायोड कंडक्ट करना चालू कर देगी, अपने थ्रू करंट इंक्रीज करवा देगी और वोल्टेज इसके अक्रॉस 0.7 मेंटेन रहेगी। चलो, अभी दोनों डायोड कैसे हैं पैरेलल में, पैरेलल में क्या सेम वोल्टेज, दोनों के अक्रॉस पैरेलल में वोल्टेज जब सेम होगी तो 0.3 0.3 या 0.7 0.7, 0.3 0.3। फॉरवर्ड बायसिंग में जर्मेनियम डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 0 से 0.3, उसके बाद बढ़ती नहीं। फॉरवर्ड बायसिंग में सिलिकन के अक्रॉस वोल्टेज 0 से 0.1 से 0.2 से 0.3 से बढ़ते बढ़ते कहां तक ले जा सकते हो, 0.7। मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में वोल्टेज 0 से लेके 0.7 तक सारी वैल्यूज ले सकती हैं, 0.3 भी ले सकती है। तो ध्यान दो, सिलिकन वाली रॉड, सॉरी, सिलिकन वाली डायोड हमारी फॉरवर्ड बायस है, पर अभी तक इसका बैरियर पोटेंशियल ओवरकम नहीं हुआ, जबकि जर्मेनियम का हो चुका है। तो अभी सिर्फ कौन कंडक्ट करेगा, जर्मेनियम। जो भी करंट आ रहा है वो सारा का सारा कहां से ला जाएगा, जर्मेनियम। सिलिकन का अभी भी बैरियर पोटेंशियल ओवरकम नहीं हुआ, फॉरवर्ड बायस होने के बावजूद भी उसमें करंट नहीं जा रहा। चलो, अब जो बैटरी से वोल्टेज मिली है कितनी, 12, उसमें से 0.3 वोल्ट तो डायोड्स के क्रॉस ड्रॉप हो गई, 12 − 0.3 11.7। देखो, इसको ग्राउंड दिखा रखा है इन्होंने, इधर पोटेंशियल 0, तो इधर 12, इधर कितना आ जाएगा, 12 − 0.3 11.7। आउटपुट वोल्टेज हमारी 11.7 आ गई, आउटपुट वोल्टेज क्या आ गई हमारी 11.7। यहां तक है मेरे साथ। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया,
जर्मेनियम जो डायोड थी उसको पलट के लगा दिया। सिलिकॉन डायोड हमारी अभी भी एज इट इज। और देखो बैटरी अब हमारी जो करंट फ्लो कराना चाहती है जर्मेनियम डायोड के डायरेक्शन के ऑपोजिट, जर्मेनियम डायोड के डायरेक्शन के ऑपोजिट फ्लो कराना चाहती है तो जर्मेनियम डायोड तो क्या हो गई हमारी रिवर्स बायस। जर्मेनियम डायोड तो हमारी क्या हो गई है रिवर्स बायस, अपने थ्रू करंट को फ्लो नहीं होने देगी। और जो हमारी सिलिकॉन वाली डायोड है वो हमारी फॉरवर्ड बायस, ये अपने थ्रू करंट को अलाउ करेगी और अपने अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप करवा लेगी 0.7। रिवर्स बायस जर्मेनियम के अक्रॉस भी वोल्टेज पैरेलल में सेम कितनी 0.7, और 0.7 वोल्ट पे ऑब्वियसली उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ होगा, उसके थ्रू करंट नेग्लिजिबल। क्या लिख दे रहा हूं मैं, जीरो। बैटरी से जो भी करंट आ रहा है वो सारा का सारा सिलिकन के थ्रू जा रहा है। फिर अभी ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो मानेंगे, बैटरी का एक साइड जीरो तो दूसरे साइड 12, और तुम देख रहे हो प्लस वाले साइड पे 12 तो माइनस वाले साइड पे 11.3। तुम्हारी आउटपुट वोल्टेज पहले कितनी थी 11.7 और अब क्या हो चुकी है 11.3। कितना चेंज आया है आउटपुट वोल्टेज में 0.4। अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। रीडिंग ऑफ एमीटर बताना है फॉर सिलिकॉन डायोड। कौन सी डायोड दे रखी है? सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कट ऑफ वोल्टेज 0.7 वोल्ट होती है, नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट होती है। जब तक इसको ओवरकम नहीं करोगे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हमने ये डायोड को कैसे कर रखा है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस। देखो बैटरी जो करंट भेजना चाहती डायोड के एरो के डायरेक्शन में, डायोड कैसी है फॉरवर्ड बायस। पर फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो कराने के लिए पहले इसका बैरियर पोटेंशियल ओवरकम करना पड़ेगा कितना 0.7। तो 3 वोल्ट पे से 0.7 तो डायोड ही खा गया, रेजिस्टेंस को कितना मिलेगा 2.3। और अब हमसे करंट पूछ रहे हैं, करंट हो जाएगा 2.3 वोल्ट बाय 200। कितना आ जाएगा देखो 2.3 बाय 200, 2.3 बाय 2 1.15, 1.15 इंटू 10 की पावर समथिंग 1.15 से मैच होता हुआ 11.5 मिली। 10 की पावर्स पे ध्यान नहीं दे रहा, वैसे पता चल जा रहा है ना 2.3 बाय 2 1.15। आगे 10 की जो भी पावर्स हो ऑप्शन तो समझ में आ गया है 11.5 मिली एम्पियर। करंट थ्रू जीना डायोड कर लोगे, इतने सारे कर लिए पीछे। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर सैंपल हैविंग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ 5 × 10 की पावर 18, होल कंसंट्रेशन 5 × 10 की पावर 19, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी 2, होल मोबिलिटी 0.01। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10 की पावर -19 हमें पहले पता है। अभी यहाँ पे मोबिलिटी बता रखी है, इलेक्ट्रॉन होल की कंसंट्रेशन बता रखी है, और हमसे क्या पूछ रखी है कंडक्टिविटी। ध्यान दो, कंडक्टिविटी निकालने के लिए क्या करने जा रहा हूँ, पहले तो रिलेशन याद करो। कंडक्टिविटी आता था J=σ, याद है सबको। इसके बाद J=करंट डेंसिटी, हमारा करंट पर यूनिट एरिया होता था I NeVd, याद है NeVd बाय A NeVd। चलो ध्यान से देखो, J=σE और J=NeVd। ध्यान से देखो, सिग्मा कंडक्टिविटी जिसके ऊपर हमें कमेंट करना है किसके बराबर बनने वाला है, NeVd बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। है मेरे साथ, ध्यान दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, NeVd बाय कैपिटल E। याद करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, तो ये हम मोबिलिटी बोलते थे इलेक्ट्रिक करंट में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड को ही हम मोबिलिटी बोलते थे। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन जा रहा है, रिलेशन क्या बन जा रहा है, NE into μ। बोलो है मेरे साथ। चलो
अभी कंडक्टिविटी बतानी है सेमीकंडक्टर की, और वो किसके वजह से होने वाली है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या होल्स की वजह से, दोनों। तो इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन क्या बता रखी है, 5 × 10⁻¹⁸। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, एक चीज और नोटिस कर लो, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होती है, होल्स की कम होती है। तो सेमीकंडक्टर में भी जो करंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है एज कंपेयर टू होल्स। अभी होल्स की कंडक्टिविटी भी है उसमें ऐड करेंगे, वो भी कंडक्ट करने वाले हैं। होल्स की कंसेंट्रेशन तुम्हारी 5 × 10⁻¹⁹। होल्स का चार्ज भी 1.6 × 10⁻¹⁹, और उसकी मोबिलिटी 0.0। 5 × 10⁻¹⁹ पूरे में से कॉमन आ रहा है, 1.6 × 10⁻¹⁹ पूरे में से कॉमन आ रहा है। पहले टर्म में क्या बच रहा है, 2। अगले टर्म में क्या बच रहा है, एक तो 10 बच रहा है और एक 0.01 1.6 × 5 8 8 × 2.1 8 × 2.1 करोगे 16 समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन मैच होता हो दिख रहा है, 10⁻¹⁹ पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। देख रहे हो कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, पूरी 10⁻¹⁹ पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके रफ आइडिया ले लिया, ऑप्शन से टिक मार दिया। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी तुम्हारा पीवाई क्वेश्चन है, इसमें चार ऑप्शन थे, वो मेरा स्टाफ चार ऑप्शन लिखना भूल गया। तो ये चार तुम्हें ग्राफ बना के दिखा रखे हैं, और चार ग्राफ देख के बताना है ये कौन कौन से डायोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला वाला ग्राफ तो तुम्हारा सिंपल डायोड, जो ऑप्शंस थे उनके अंदर इस वाले को हम क्या किससे मार्क करने वाले थे, सिंपल डायोड। ये तुम्हारे देख रहे हो ब्रेकडाउन हो गया, उसके बाद इसके थ्रू करंट इन्होंने हाई दिखा रखा है, वोल्टेज कांस्टेंट किसकी बात चल रही है, सीना डायोड। फिर तुम्हारे सामने यहाँ पे इल्यूमिनेट कर रहे हैं, और ये वीआई ग्राफ बना रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका ग्राफ बनाते थे, सोलर सेल है ये। और उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जा रहे हैं और रेजिस्टेंस कम होती जा रही है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन भेज रहे हो, किस पे भेजते थे, फोटोडायोड जो रेडिएशन भेजते थे, याद है I1, I2, I3, I4 में ग्राफ में मार्क करके दिखाता था, कम इंटेंसिटी कम करंट, ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा करंट। तो ज्यादा इंटेंसिटी पे ज्यादा करंट, ऑब्वियसली ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है कम। बायसिंग वोल्टेज तो हमारी कॉन्स्टेंट है ना, नहीं समझे, सुनो मेरी बात। एलईडी सॉरी फोटोडायोड में क्या करते थे हम, उसको रिवर्स बायस करते थे, रिवर्स बायस की वोल्टेज क्या रहती है, फिक्स। रिवर्स बायसिंग की वोल्टेज थोड़ी चेंज करते हैं, और रेडिएशन भेजने में क्या हो जाता है, करंट इंक्रीज, तभी तो एमिटर का डिफ्लेक्शन बढ़ता था। तो करंट इज इक्वल टू V is equal to IR, R is equal to V by बायसिंग वोल्टेज तो तुम्हारी कॉन्स्टेंट है, और इंटेंसिटी बढ़ाने पे रेडिएशन का करंट क्या हो जा रहा है, इंक्रीज। ऑब्वियसली डायोड का रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, डिक्रीज। तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं रेजिस्टेंस कम, किसकी बात चल रही है, फोटोडायोड, किसकी बात चल रही है, फोटोडायोड। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, चार डायोड बता रखी है, तुम्हें बताना है कौन सी फॉरवर्ड बायस है। तो देख लो यहाँ पे करंट +2 हायर वोल्टेज, -2 लोअर वोल्टेज, करंट कैसे फ्लो हो जाएगा, हायर टू लोअर, -3 -3, पोटेंशियल डिफरेंस 0, करंट 0। इसमें करंट 4 वोल्ट हायर पोटेंशियल है, 2 वोल्ट लोअर पोटेंशियल है, करंट विल ट्राई टू फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, और -2 और +2 में कौन बढ़ा, +2 अगेन, करंट विल ट्राई टू फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। किसमें करंट का डायरेक्शन एरो के डायरेक्शन से, डायोड के एरो के डायरेक्शन से मैच कर रहा है, ए ए आंसर है मेरे साथ है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 18, सर्किट दिखा रखा है, दो डायोड दिखा रखी है, तुमसे कह रहा है द सर्किट शोन इन द फिगर
Circuit shown in the figure contains two diodes, each when forward bias has resistance 15 ohm, and when reverse bias offer infinite resistance. मतलब reverse bias में अपने through current को flow नहीं होने देंगी. Reverse bias में कैसे behave करेंगी? Infinite resistance मतलब open circuit. Infinite resistance मतलब open circuit. और forward bias में resistance क्या हो जाएगा? Conduct करेंगी और कितना resistance offer करेंगी? 15. चलो तुम्हारे सामने दो डायोड D1 D2, कौन फॉरवर्ड बायस? बैटरी करंट भेजना चाहती है ऐसे D1 में D2 में. D1 क्या है? फॉरवर्ड बायस. D2 क्या है? रिवर्स बायस. ये अपने थ्रू करंट को जाने नहीं देगी. बैटरी जो भी करंट भेजेगी वो सारा का सारा D1. तो देखो तुम्हारा जो इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है, इस लूप में करंट फ्लो होगा, लूप में वोल्टेज कितनी मिल रही है? 6. लूप में रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है डायोड का? 50. डायोड कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा फॉरवर्ड बायस में? 50 प्लस 150 200 प्लस 100 6/3 2. देख लो 2 के ऑर्डर वाला 0.02 10 की पावर्स पे. फिर से ध्यान दे लो बढ़िया, नहीं तो जरूरत नहीं. फॉलो किया? रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रही है, और फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 50. चलो क्वेश्चन नंबर 19. ये तो क्लास में किया हुआ है. फुल वेव रेक्टिफायर बना हुआ है. क्या बना हुआ है? फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर में तुमसे पूछ रहे हैं कि जो तुम्हारी डायोड ये है 1 वाली, ये कब कब कंडक्ट करेगी? तो ध्यान दो, ये ऊपर वाली डायोड कंडक्ट करती थी पॉजिटिव हाफ साइकिल्स में, और नीचे वाली डायोड कंडक्ट करती थी हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल्स. नेगेटिव हाफ साइकिल कौन सी वाली है? फर्स्ट वाली है सेकंड वाली? सेकंड वाली. कौन सी है यहाँ पे? बी. तो कौन कौन सा हमें कंडक्ट किया होगा? ये बी और ऊपर वाली डायोड किसमें कंडक्ट करी होगी? ए और सी में, और नीचे वाली डायोड बी और डी में. याद है सबको? सर्किट क्लास में किया हुआ हमने नोट्स में. चलो ये फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा, ये पास्ट ईयर आईआईटी का क्वेश्चन है. आईआईटी में भी कुछ साल सेमीकंडक्टर रहा था सिलेबस में, अभी नहीं है. तो आईआईटी वालों ने ये 4 डायोड से फुल वेव रेक्टिफायर बनवाया था. ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे सामने 4 डायोड दे रखी थी, और तुमसे बोल रखा था कि इनपुट वोल्टेज हम किसके बीच में लगाएं, और आउटपुट वोल्टेज हम कौन से टर्मिनल से क्रॉस लें कि ये फुल वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव करे. ठीक है, मेरे पास टाइम की कमी है, अगली क्लास का टाइम हो गया यार, तो मैं तुम्हें सीधा फाइनल आंसर पे ले जा रहा हूँ. नहीं तो मैं अलग अलग सारी पॉसिबिलिटी बना के तुम्हें दिखाता. एक बार इनपुट लगा दिया ए और सी के बीच में, लोड लगा दिया बी और डी के बीच में. ठीक है, तुम ड्रॉ करके देखना घर पे जाके, जितने भी बाकी पॉसिबिलिटीज होंगी जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, उससे अलावा जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी किसी में भी तुम्हें फुल वेव रेक्टिफायर वाला आउटपुट नहीं मिलेगा. ड्रॉ करके चेक कर लेना. अभी मैं तुम्हें सीधा आंसर बता रहा हूँ. इसमें हमें एसी वोल्टेज सप्लाई लगानी थी बी और डी के बीच में, और आउटपुट लेना था, लोड रेजिस्टेंस लगाना था ए और सी के बीच. देखो मैं तुम्हारे सामने एनालाइज करके दिखाता हूं. जब तुम्हारी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, कौन सी हाफ साइकिल? पॉजिटिव. देखो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल. करंट ऐसे फ्लो होने जाएगा. ठीक है, करंट जब यहां पे पहुंचा, ये डायोड हमारी फॉरवर्ड बायस, और ये वाली डायोड हमारी रिवर्स बायस. इसमें से करंट 0, सारा करंट इसमें चला जाए. ये करंट जब यहां पहुंचा, कितने रास्ते मिले? तो ये वाली डायोड हमारी रिवर्स बायस हो रही है, अपने थ्रू करंट को जाने नहीं देगी. ये सारा करंट लोड में से जाएगा, और अब लोड में से फ्लो होते हुए देखो, ये डायोड हमारी फॉरवर्ड बायस हो रही है, इसके थ्रू फ्लो होते हुए सर्किट में करंट कंप्लीट. लोड रेजिस्टेंस में करंट कैसे फ्लो हुआ? ए टू सी. नोटिस किया सबने? लोड रेजिस्टेंस में करंट कैसे फ्लो हुआ? ए टू सी. चलो अब चलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में. चलो नेगेटिव हाफ साइकिल में ले जा रहा हूं. नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल. करंट यहां से जाना चाहेगा, करंट यहां पे पहुंचा, कितने रास्ते मिले? तो ये डायोड क्या हो रही है? फॉरवर्ड बायस. ये अपने थ्रू करंट को जाने देगी, और ये डायोड क्या हो जा रही है?
रिवर्स बायस, ये अपने थ्रू करंट को नहीं जाने, करंट जब यहां पहुंचा कितने रास्ते मिले, तो ये डायोड क्या हो गई है, रिवर्स बायस, अपने थ्रू करंट को नहीं जाने देगी, करंट चला गया रेजिस्टेंस आरएल में और फिर यही करंट आगे जाके जब यहां पहुंचा, ये डायोड कैसी है, करंट हो गया ना कंप्लीट। ध्यान दो लोड रेजिस्टेंस में करंट कैसे गया, ए टू सी, पहले भी ए टू सी अब भी ए टू सी, कैसा करंट मिल गया, यूनि डायरेक्शनल, कैसा मिल गया, यूनि डायरेक्शनल। और अभी सी आरएल के साथ हम लोग कैपेसिटर लगा देंगे, कैसे, पैरेलल में, या इंडक्टर लगा देंगे सीरीज में, तो यही यूनि डायरेक्शनल वोल्टेज करंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डीसी। चला दिमाग चला, पर क्या कनेक्शंस कैसे करने थे वो पूछ रखा था, तो जवाब क्या देंगे, फॉर द गिवन सर्किट शोन फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट किसके बीच में देना चाहिए, बी एंड डी, और आउटपुट किसके बीच में देना चाहिए, ए। क्लियर हो गया?